नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कारम। आज हम देखेंगे प्रसाद के लिए, पूजा के लिए दाल वड़ा हम कैसे बनाते हैं। चलिए आइए, इंग्रेडिएंट सबको दिखा देते हैं। ये हमने 2 ग्लास चना दाल भिगो के रखा हुआ है, साथ ही में 1/2 ग्लास उड़द दाल भी भिगाया हुआ है और 2 टेबलस्पून तुअर दाल भी भिगाया हुआ है। इसे सारा 4 घंटे के लिए हमने भिगोया था और 1/2 घंटे के लिए ये ड्रेनर में छोड़ दिया है ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना हो। साथ ही में हरा मिर्च, अब हम इसमें लाल मिर्च और हरा मिर्च, 4 हरा मिर्च लिया हुआ है, 2 हरा मिर्च लिया हुआ है, 2-3 लाल मिर्च लिया हुआ है, सॉल्ट फॉर टेस्ट, हिंग, कड़ी पत्ता और कोथमीर लास्ट में डालेंगे। चलिए अब देखते हैं कैसे ग्राइंड करना है इसे। अब पहले हम ये लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता और ये हरा मिर्ची को मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और ये जो भिगो के रखा हुआ है इसमें का एक हाथ हम इसमें एकदम फाइन ग्राइंड करेंगे इसे। उसके बाद में इन सारों को कोर्स ग्राइंड करेंगे और सॉल्ट टेस्ट ऐड करेंगे। अब हम बाकी के जो चना भिगाया हुआ है इसे ग्राइंडर में डालेंगे। इसे भी ड्राई ग्राइंड अच्छी तरह मारेंगे और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी छिड़क के इसे ग्राइंड करेंगे वड़ा बनाने के लिए। इसमें देखिए वड़ा का फाइन पेस्ट और रफ पेस्ट दोनों ऐड कर चुके हैं हम। थोड़ा सा कोथमीर भी ले लिया है। अब हम इसमें हींग डालेंगे। ये पूजा के लिए वड़ा बना रहे हैं, थोड़ी मात्रा में हींग भी डाल चुके हैं। अब सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे। ये हो चुका है हमारा सॉल्ट टू टेस्ट। अब हम कढ़ाई लगाकर ऑयल कढ़ाई में लेंगे, इस आटे को हाथ से इसे फेंट लेंगे अच्छी तरह। देखिए दोस्तों, अब हमने कढ़ाई ले लिया है, इसमें वड़े फ्राई करने वाले हैं जो पूजा के लिए है। अब देखिए तेल ले रहे हैं, टेस्ट करें। अब हम इसे टेस्ट करेंगे कि तेल रेडी है या नहीं। हमने चेक किया था तब तेल रेडी नहीं था, अब फिर से चेक कर रहे हैं कि तेल रेडी हो गया क्या नहीं। आप बड़ा ऊपर आ रहा है, देखिए तेल रेडी है बड़ा बनाने के लिए। तो अब बड़ा बनाने के लिए रेडी हो रहा है। एक गोल आटा लेंगे, इसे दबोएंगे, तेल में छोड़ेंगे, ऐसे ही बड़े छोड़ते जाएंगे। अब हम इस बड़े को धीमी आंच में पकाएंगे, तेल के अंदर फ्राई करेंगे ताकि अंदर से वड़ा पक जाए। अब देखिए दोस्तों, वड़े का कलर बदली हो रहा है और फ्लफी भी हो रहा है, इसे और थोड़ा पकाएंगे रंग पूरे बदली होने तक। देखिए दोस्तों, ये 7 से 8 मिनट तेल में हमने फ्राई किया हुआ है, अब वड़ा रेडी हो चुका है। इसे हम निकालेंगे बर्तन में। देखिए दोस्तों, अब हमारा स्वादिष्ट वड़ा रेडी हो चुका है। टिश्यू पेपर में डाला हुआ है ताकि तुझे ऑयल ड्रेन हो जाए। एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों से बोलिए, थम्स अप करिए। गॉड ब्लेस यू।